ज़िम्बाब्वेटन लीग, जो कि जिम्बाब्वे की फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग है, उसका आगाज़ 20 जुलाई से होने जा रहा है, जिसमें लगभग 50 गैर मुल्की खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 7 पाकिस्तानी और 6 भारतीय खिलाड़ी भी आपको एक्शन में नज़र आएंगे। वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं आगे चलकर आपको बताएंगे, मगर इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि क्रिकेट की ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, जिम्बाब्वेन क्रिकेट बोर्ड ने अपने फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग ज़िम्बाब्वेटन लीग के नाम से मुतारिफ करवा दी है, जो कि 10 ओवर के फार्मेट पर मुश्तमिल है और जिसके इब्तदाई सीज़न का आगाज़ 20 जुलाई को होने जा रहा है। इस लीग में जिम्बाब्वे के क्रिकेटर्स के अलावा दुनिया भर के 52 क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे, जिनमें 13 खिलाड़ी पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक रखते हैं। आइए उन प्लेयर्स पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर डरबन कलंदर्स की टीम को देखा जाए तो उसमें 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी आसिफ अली, मोहम्मद आमिर, मिर्ज़ा ताहिर बेग और तैयब अब्बास हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इस टीम में कोई भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। अगर हम कैप टाउन सैम बार्मी की टीम पर नज़र डालें तो इसमें 2 भारतीय खिलाड़ी स्टोर्ट बिनी और पार्थिव पटेल, जबकि 1 पाकिस्तानी खिलाड़ी फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान शामिल है। दूसरी तरफ हरारे हुरिकेन्स की टीम में पाकिस्तान के शाहनवाज धानी के साथ 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें इरफान पठान, राबिन उथापा और श्री सांत शामिल हैं। दूसरी तरफ जो बर्ग बैफलोस की टीम में भारत के यूसुफ पठान के साथ पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज़ और उस्मान शिनवारी एक्शन में नज़र आएंगे, जबकि बुलावायो ब्रेव्स वो वाहिद टीम है जिसमें कोई भारतीय या पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।